मेष राशि मार्च महीने का दूसरा सप्ताह के राशिफल के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। इस राशिफल को देखने का आधार होगा चंद्र राशि या लग्न राशि। यदि आपको चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं पता है तो उसको पता कर ले, अन्यथा इस राशिफल को देखने से आप अत्यधिक लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस राशिफल में हम जानेंगे लोग आपके बारे में इस सप्ताह क्या सोचते हैं और आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इस पूरे सप्ताह आप कैसे दिन बिताएंगे, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, आपकी सोच कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी या नकारात्मक रहेगी, लोगों के साथ परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि हमें हर पल लोगों के साथ रहना है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता रहे कि हमारे रिश्ते लोगों के साथ कैसे रहने वाले हैं। हर व्यक्ति के साथ हमारा अलग अलग रिश्ता होता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से मित्रता होती है, किसी से सम्मान होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो जितने लोग उतने रिश्ते इस दुनिया में होते हैं। तो हमें रिश्तों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी कि कैसे हम इस सप्ताह में अपने रिश्तों को निभा पाएंगे। आपकी सोच क्या होगी, नौकरी हो या व्यापार, वहां पे किस प्रकार से सफलता और तरक्की मिलेगी, आपके फैसले कैसे होंगे, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, मित्रता, शिक्षा और शत्रु का हाल भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 8 से 14 तारीख के राशिफल की। मेष राशि के बारे में यह जानकारी है तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए मार्च महीने का दूसरा सप्ताह कैसा जाएगा। इस सप्ताह आपके अधूरे काम जो किन्हीं कारणों से रह गए थे, छूट गए थे, वह पूरे हो जाएंगे। शरीर में बल होगा, ताकत होगी, ताकत भरी सोच होगी, जोश होगा, जुनून होगा और यही जोश और जुनून आपको सफलता निश्चित तौर पर दिलाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने बुद्धि, दिमाग और बाजुओं के बल से सभी अधूरे कामों को पूरा करके अतिशीघ्र सफलता पाएंगे। आपका उठना बैठना अच्छे, बड़े और सम्मानित लोगों के साथ होगा। अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे नए व बड़े लोगों के बीच व्यापारिक संबंध बनाने के, उनसे कोई तरक्की का गुरु मंत्र सीखने के, पार्टी इत्यादि, वर्कशॉप या किसी विशेष इवेंट का हिस्सा आप बन सकते हैं। नौकरी में अत्यधिक सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ते हैं। कुछ नया सीखकर आप अपने आप को और काबिल बनाएंगे। यह जो सीखने की प्रक्रिया है, यह जो जिज्ञासा है, यह छात्रों में भी रहेगी और जो लोग नौकरी और व्यापार कर रहे हैं उनके अंदर भी रहेगी। क्रोध व अपशब्दों पर आपको कंट्रोल रखना होगा। आप बेकार के लोगों को अपने साथ ना जोड़ें, उनके साथ पार्टी इत्यादि ना करें, उनके साथ घूमें नहीं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो शायद जीवन में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए होंगे तो उनको आपसे ईर्ष्या हो सकती है, वह आपका समय बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको उनसे बचना होगा, उनके चक्करों में नहीं फंसना है। अन्य लोग भी आपका समय बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं इधर उधर की बातें करके, तो छात्रों को अपने समय का सदुपयोग करना है। आप नौकरी व्यापार कुछ भी करते हैं ऐसे फालतू के लोगों के चक्करों में ना पड़े, अन्यथा आप कीमती समय को बर्बाद करके हानि उठा सकते हैं और आपकी फालतू की भागदौड़ बचेगी, आपकी नकारात्मक सोच होगी, बुरी संगति में घूमने फिरने के कारण आपकी सोच भी बदल सकती है और फिर जब आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा तो सिर्फ आपके पास पछतावा होगा। तो पहले से ही अलर्ट रहें। छुट्टी वाले दिन आपको पुराने छोटे काम पूरे करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। घर परिवार के लोग आपसे प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि आप उनकी बात मानेंगे, सुनेंगे और उनके साथ उनके कामों में हाथ भी बटाएंगे। कुछ घर के काम होते हैं, कुछ ऑफिस के काम होते हैं तो दोनों कामों में आपको सफलता मिलेगी। घर के काम भी आप वक्त पर निपटाएंगे जैसे जैसे वक्त मिलेगा और ऑफिस के भी काम आप वक्त पर निपटाते चलेंगे, जिस कारण आपका यह सप्ताह बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ नई पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ उच्च दर्जे की पढ़ाई के लिए कोई कंपटीशन इत्यादि दे सकते हैं या पढ़ने के लिए जा भी सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर आप अपने कैरियर को किस दिशा में लेके जाएं इस पर भी विचार कर सकते हैं। और यह एक बढ़िया बात है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर आप अपने जो भविष्य है उसको सही मार्ग, सही दिशा दे पाएंगे। मन में चिंताओं को ना पालें, उनका समाधान ढूंढें। यदि आपका कोई प्रिय है, जीवन साथी है, माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई बंधु है तो दिल की बात उनसे शेयर करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो किसी काउंसलर के पास जाएं। मन में बातों को रखने से आपको हानि होगी, आप चिंता
चिंताग्रस्त होंगे, परेशान होंगे और कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसका नुकसान सीधा सीधा आपके दिमाग पर पड़ेगा और आप चिंताग्रस्त होते जाएंगे तो अच्छे वक्त का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो निश्चित मानिए, यदि आपके कोई शुभ चिंतक हैं, घर परिवार के हैं, मित्र हैं, आपकी वह मदद करेंगे, एक बार उनसे मदद मांग के तो देखिए। और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको अतिशीघ्र एक सहायता भी मिलेगी और सही सलाह भी मिलेगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेंगे, आपकी संतान भी कुछ बढ़िया करने वाली है, कुछ बढ़िया परिणाम देकर आने वाली है। कोई परीक्षा इन समय में पड़ती है तो वह परीक्षा में शत प्रतिशत अपना परफॉर्मेंस देंगे, यानी जो पढ़ा लिखा होगा उसको लिखकर परीक्षा में भी आएंगे और उससे आपको आश्वासन मिलेगा कि आप जब भी परिणाम आएगा इस परीक्षा का तो उसमें आप बेहतरीन नंबरों से पास होने वाले हैं, यानी या आपकी संतान। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको निराशा नहीं होगी, धन की कमी किसी भी प्रकार से नहीं होगी। धन आप चाहे नौकरी से कमाते हैं या व्यापार से कमाते हैं, किस जिस भी तरीके से कमाते हैं उसमें बढ़ोतरी होना निश्चित है। बहुत सारे आपको अच्छे सुनहरे मौके मिलेंगे, जो नए मौके होंगे जिनकी आपको तलाश थी। कुछ मौके ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी और आप सफलता की एक नई सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। आप धन का निवेश करके धन को और आगे बढ़ाएंगे, यानी अपने व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समझदारी बहुत आवश्यक है धन निवेश करने से पहले। यात्राओं के कुछ अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको यात्राओं को बच के करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, लेकिन यात्राएं करनी जरूर चाहिए और उनसे लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बुरी संगति से जैसा मैंने पहले कहा, आपको दूर रहना होगा, शांत रहना होगा। पारिवारिक कलह कलेश ना होने दो तो बेहतर रहेगा। जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा कोई काम ना करें। आप थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, उसके बाद अपने काम को पूरा करें। निश्चित तौर पर आप सभी कामों को इस सप्ताह में पूरे कर लेंगे और आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स है, यानी कि आप नौकरी से पैसा कमा रहे हैं, व्यापार से पैसा कमा रहे हैं, उसमें भी इजाफा दूसरे मायनों में भी होगा, यानी आपका व्यापार बड़ा हो सकता है। आप एक साथ दूसरा नया व्यापार कर सकते हैं, एक नौकरी को करते करते आप कोई ट्यूशन शुरू कर सकते हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हैं या किसी कुछ कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कुछ भी आप एक नई इनकम का जरिया भी इस महीने अपनी पुरानी इनकम के साथ जोड़कर एक अच्छा लाभ कमाने का अपने भविष्य में मौका अभी से पैदा कर लेंगे इस सप्ताह में। फिर धीरे धीरे उस पर काम करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ज़्यादा सोचें समझे नहीं, काम करें और जल्दबाजी में काम नहीं करें। और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कई बार कामों को डिले करा देती है। सोचें विचारें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना सोचें विचारें कि उसी में पूरा वक्त निकल जाए, सप्ताह बीत जाए और सोच विचार ही होता रहा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह सप्ताह आपके भविष्य को निर्धारित करेगा आगे आने वाले, तो बहुत सावधानीपूर्वक काम करिएगा और यह सप्ताह कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। 8 से 14 तारीख आपके लिए शुभ कही जाएगी, यानी कि देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर एक चीज़ शुभ ही शुभ हो, कुछ ना कुछ तो अशुभ होगा, कुछ ना कुछ दुख तकलीफें होंगी, लेकिन उन दुख तकलीफ़ों से निपटने का आपको साधन मिलेगा, उपाय मिलेगा, रेमेडीज़ मिलेंगी, आप खुद उनसे उभर पाएंगे। इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। तो चलिए, आप सभी लोग का यह सप्ताह बेहतरीन जाए। इस सप्ताह के लिए मैं आपको एक उपाय बता देता, यदि आप उसको करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप श्री राम नाम का स्मरण जितना कर सकते हैं उतना करें। श्री राम नाम के स्मरण करने से भगवान हनुमान और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान है, जहां पे राम और हनुमान है वहां पे शिव अनिवार्य है, यानी शिव वहां पे होंगे। तो एक तीर से दो निशाने लगाने का मौका आपको भगवान श्री राम के नाम लेने से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका यह सप्ताह बेहतरीन जाए। हरिओम, नमस्कार।